अपडेट करने पर इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्लियर है? चले आगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का अभी इसमें ना पूछो ना, सिमेट्रिक डिफरेंस टॉपिक खुल जाएगा, मेरे अंदर जानी है वो कीड़ा है, फिर बताना चालू करेंगे, कुल बताएंगे क्लास धुआं धुआं हो जाएगी दो मिनट में। ये इसीलिए ना अभी इसको कंट्रोल कर सकते, अरे ये काम ये करो ना, हम इसको लिख ही दिए, बड़ा कंट्रोल करते करते निकल ही गया ना। गणित के साथ एक बड़ी खामी है, अगर आपको थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब हम कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, तो आप बड़बड़ाना चालू करते हो, बड़बड़ाना चालू करोगे, इतना बोलोगे ना क्लास निकल जाएगी उसी में, और वो भी सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में तो जाने कौन कौन से पैराडॉक्स आप बोल जाओगे ना, ऐसे ही क्लास बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, बताएंगे। चलो हिस्टोरिकल नोट लिखा जाए ना, जिनको पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा इतिहास को जानकारी रखनी चाहिए। आम जाने गांव जाने माई बाबत नाम जाने, तो फिर कहां से हो पाएगा, मतलब कुछ तो रहना पड़ेगा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल नोट ये ऑन कर देना, अब हिस्टोरिकल नोट पे लिखना, द जर्मन मैथमेटिशियन The German mathematician Hermann Grassmann, एक ही नाम है, तो इस बड़ी बड़ी इन लोगों के नाम की अपने यहाँ टिंकू टिंकू कुछ भी नाम है, कितनी छोटी सी स्पेलिंग है टिंकू। The German mathematician Hermann Grassmann पैदा हुए थे 1809 में, और जिंदगी चली थी 1870 तक, सुकून की जिंदगी थी, ना कोरोना था ना कोई टेंशन। द जर्मन मैथमेटिशियन हर्मन ग्रासमैन इज जनरली क्रेडिटेड उसको क्रेडिट दिया जाता है, क्रिएट करना मतलब बनाना किसी चीज को, इज जनरली क्रेडिटेड ठीक। The German mathematician Hermann Grassmann is generally credited with first introducing the idea of a vector space. जर्मनी के मैथमेटिशियन थे हर्मन ग्रासमैन, इन्हीं को एक क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने वेक्टर स्पेस को सबसे पहले, मतलब लोगों के सामने जो वेक्टर स्पेस का आइडिया दिया गया वो हर्मन ग्रासमैन ने ही दिया, वो अलग बात है, इन्होंने कभी भी इसको वेक्टर स्पेस कहा नहीं, ये नाम इनका दिया हुआ नहीं, ये बस एक स्ट्रक्चर को डिजाइन किए, उस स्ट्रक्चर के साथ इन्होंने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, और वो प्रॉपर्टी वही थी जो आज हम लोग यहाँ वेक्टर स्पेस में पढ़ रहे। तो ये पूरा का पूरा जो आइडिया निकल करके आया ना, कुछ कट रहा है क्या इधर से, ये पूरा का पूरा जो आइडिया निकल करके आया वो हर्मन ग्रासमैन ने दिया, लेकिन हर्मन ग्रासमैन ने कहीं पर भी इसको वेक्टर स्पेस नहीं कहा, ये बात आगे लिख देना ब्रैकेट में। आलो यद्यपि he did not call it that, हालांकि इन्होंने इसको वेक्टर स्पेस नहीं कहा, ठीक। The German mathematician Hermann Grassmann is generally credited with first introducing the idea of vector space. वेक्टर स्पेस के आइडिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने का जो क्रेडिट है वो हर्मन ग्रासमैन को दिया जाता है, although यद्यपि he did not call it that, हालांकि इन्होंने इसको कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं कहा, ठीक। आगे लिखना, अब कब किया था, इन 1844, ये आइडिया पहली बार जो इन्होंने रखा था वो 1844 में रखा हुआ था, 1844
एक्चुअली जो पढ़ाते हैं ना तो ये नहीं पता होता ना इस कमरे में कितनी आत्माएं और टहल रही हैं, बस अपने इधर लिख रहे हैं, इधर कोई टहल रहा है, पीछे कोई लटका है, क्या पता, तो दिमाग उधर जा ठीक आगे बात करो ठीक। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इनका काम बड़ा कठिन है ठीक। एक होता है ना, बताए थे एक्स्ट्रा क्लास में भी, काम को आसान भाषा में कहना और काम को खूब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कहना, इन दोनों में फर्क होता है। किसी से पता पूछो ना वो तुमको पता बताता है, उत्तर चले जाना, उत्तर से पच्छू घूम जाना ठीक है, पच्छू की तरफ चार हाथ आगे चल के 15 हाथ बाएं चल के देश भर का बताएगा, आपको नहीं समझा। दूसरा कहता ना यहां से जाना पहला चौराहा पड़ेगा, पहले चौराहे पूछ लेना, सिंपल, और घुमाया उमाया नहीं तुमको, वो कहा यहाँ सीधे जाओ पहला चौराहा पड़ेगा पता पूछ लेना, उसने काम आसान किया। अब पहले चौराहे पर पूछोगे ना कि भैया गुप्ता बेकरी कहाँ पर है, खाने वाली बात करो जल्दी समझ जाए, गुप्ता बेकरी कहाँ पर है तो बताएगा ना, डाकखाने चौराहे से गंदा नाला वाली रोड पकड़ लेना, वहां जाओ आगे किताब की दुकान पड़ेगी ना, वहीं रुक करके पूछ लेना, वो तुमको बताएगा ना, या स्कूल जो पढ़ता है उस स्कूल के पास रुके, अब उसने और काम आसान कर दिया। तो सोचो जब टुकड़े में काम हो रहा है ना तो काम आसान है। और ये कहो गोलाघाट से नाथ की सीध में चलो, पहले जाना गुड़मंडी की तरफ वाला रास्ता घूमना, उसके बाद ऐसे घूमना ऐसे घूमना, को कठिन काम है। तो ये काम जो इन्होंने शुरुआत में किया ये काम कठिन था, बाद में फिर दूसरे मैथमेटिशियन इनके काम को आसान बना। तो हम इस बात को लिखेंगे कि भले इन्होंने काम किया, भले इनको क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन इनका काम ऐसा नहीं था कि आम बोलचाल की जिंदगी में उसको शामिल किया जा सके। आगे लिखना, अनफॉर्चुनेटली बोल दे लिख लो, क्योंकि इस पर जाने कहां चमक आएगी कहां नहीं, बोले अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, स्पेलिंग बोले अनफॉर्चुनेटली की UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, हिज वर्क वॉज वेरी डिफिकल्ट, अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वॉज वेरी डिफिकल्ट, दुर्भाग्य से इनका काम बहुत कठिन था, अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वॉज इज नहीं वॉज अब नहीं हिज वर्क वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, पढ़ने में ही कठिन था, अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। और जब कोई चीज कठिन होती है तो लोग उसको अटेंशन नहीं देते ठीक, एंड डिड नॉट रिसीव, आगे लिखना एंड डिड नॉट रिसीव, एंड डिड नॉट रिसीव द अटेंशन, एंड डिड नॉट रिसीव द अटेंशन इट डिजर्व, एंड डिड नॉट रिसीव द अटेंशन इट डिजर्व, और जो अटेंशन इसको चाहिए था, मिलना चाहिए था, जो ये डिजर्व करता है वो अटेंशन इसको नहीं मिलता है। आज भी ऐसा ही होता है ना, अभी जैसे हम ही है ना, थ्योरी को ऊट पटांग हरकतों से जोड़ करके इधर पढ़ा रहे, लोगों को समझ में आ रहा है तो लोग अटेंशन दे रहे हैं ना, कि अरे उनके पास चलो ना रियल लाइफ का एग्जाम्पल, डजंट मैटर मेरे रियल लाइफ के एग्जाम्पल मैथ की थ्योरी पर वेरीफाई होंगे कि नहीं होंगे ना। हाँ जैसे कल बोले थे ना एक्सटर्नल कंपोजिशन में पंडित जी को जोड़ दिए थे ना, कि दूल्हा दुल्हन बाहर के मेंबर है ऑपरेट कर रहे हैं, पंडित जी भी एक ऑपरेशन हो गए वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, मेंबर घर का तैयार है ठीक। अब वो दुल्हन दूसरे के घर से आपके घर की हो गई, ये इनके घर के बेटे थे उनके घर के दामाद हो गए, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड कर दिया। मैथमेटिकल ये थ्योरी बिल्कुल नहीं सही, लेकिन ना ये समझने में आसान है, तो समझने में आसान है तो लोग इसको भाव दे रहे। जबकि एक ऐसे प्रोफेसर होते ना जो IIT वगैरह में पढ़ा रहे ना, एकदम दिमाग से एकदम पूरा क्रीम पार्ट जिनको आता है, वो पूरे लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी को ना टुकड़े में तोड़ करके जाने कहां से कहां जोड़ सकते हैं, वो लीनियर अलजेब्रा में फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐड कर देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम की बैलेंसिंग इसी से कर देंगे, पाइवट वाली जो थ्योरी हम लोग पढ़े हुए सब कर डालेंगे इससे। लेकिन अगर उनके पढ़ाने का तरीका ही कठिन है तो लोग कहते हैं ना उनकी क्लास में बैठ नहीं, इनकार कर देते हैं, 3 लोग 4 लोग 10 लोग 15 लोग 20 लोग बैठेंगे, और जोकर वाले की क्लास में हम अपने आप को ही कह रहे हैं ना, काहे के लिए अपनी झूठे बड़ाई की जाए, वास्तविकता यही है, मेरी थ्योरी बहुत ज्यादा सही नहीं है, बहुत ज्यादा सही नहीं मतलब मेरे जो एग्जांपल है वो आप मैथमेटिकली वेरीफाई कर लो, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी समझ आता है ना तो लोग आते हैं, उनका नहीं समझ में आता तो लोग उनके पास नहीं जाते, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो क्रेडिट हमको जाता है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि वो बेहतर थ्योरी जानते हैं, आप दूसरे का क्रेडिट यूं ले नहीं सकते, वो क्रेडिट जिसका है उसके जिम्मे वो रहना चाहिए। तो हाँ यही बात इसके साथ भी, क्रेडिट इन्हीं को जाता है, लेकिन काम अगर आसान भाषा में, इनका काम पढ़ने लायक भी नहीं था, इतना डिफिकल्ट था, तो इसीलिए इस काम को किसी और को हैंडओवर करना पड़ा। हैंडओवर करने का मतलब उस काम पर जब दूसरे ने काम किया तो उसने उस काम को क्या किया, आसान बनाया, और इनको वो अटेंशन नहीं मिली जो अटेंशन मिलने की ये हकदार थे। आई बात समझ में, तो इसी चीज को लिखा गया है अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वाज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, पढ़ने में इनका काम बहुत कठिन था, एंड डिड नॉट रिसीव, और नहीं प्राप्त करता है द अटेंशन
इट डिजर्व, और उस अटेंशन को नहीं प्राप्त करता है जिस अटेंशन के लिए ये डिजर्व करता है। आगे लिखना, वन पर्सन हु डिड स्टडी, वन पर्सन एक व्यक्ति, वन पर्सन हु डिड स्टडी, वन पर्सन हु डिड स्टडी इट, वन पर्सन हु डिड स्टडी इट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इसको पढ़ा, इट वाज वो था, वन पर्सन हु डिड स्टडी इट वाज द इटालियन मैथमेटिशियन, द इटालियन मैथमेटिशियन, द इटालियन मैथमेटिशियन नाउ योस्पी पियानो। अपने लोग ना केवल एक नाम लेते पियानो, क्योंकि आदमी का नाम बड़ा कठिन है और अपनी अंग्रेजी मसाला होती है। योस्पी पियानो, जो स्पेलिंग है ना इसके अकॉर्डिंग है प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल क्या होगा ना वो अगर सुनना होगा ना एक बार गूगल पे, गूगल पे इसका प्रोनाउंसिएशन डालना, तुमको इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। अपने नहीं बोल सकते हैं ना, अपने गड़बड़ा देंगे, किसी का नाम काहे बिगाड़ना, जैसे अपने लोग एक नाम वैसे ही बिगाड़ करके रखे हैं, पता है कौन सा बिगाड़े हैं, डिरिचलेट, डिरिचलेट खूब बिगाड़े हैं, ये डिरिचलेट है ये नहीं, ये डिरिचलेट, आप डिरिचलेट बोलेंगे ना तो लोग स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए ना इतना बिगाड़ दिया इसको, इतना बिगाड़ दिया बेचारे इसको, डिरिचलेट डिरिचलेट कहते कहते, ये अगर खुद होते ना तो ये खुद कहते डिरिचलेट कौन है, किसकी थ्योरम है, अपनी थ्योरम को दूसरे के नाम से पूछते, अपने लोग बिगाड़ने में उस्ताद, ये डिरिचलेट नहीं है, ये डिरिचले है, इनका ओरिजिनल नाम डिरिचले है, प्रोनाउंसिएशन इसका डिरिचले है। जैसे एक और नाम होता है ये अलजेब्रा में आते हैं ना, अलजेब्रा में एक थ्योरम आती है इन्हीं के नाम से आती है, गैलोइस एक्सटेंशन। अब सोचो पढ़ क्या रहे हैं, गैलोइस एक्सटेंशन पढ़ के रहे हैं, ठीक है नहीं, गैल्वा है, गैल्वा, गैल्वा बोलेंगे ना तो अपने वी लगा दो, गड़बड़ हो गया कि नहीं, हर जगह फ्रांस, मतलब फ्रांस हो, इटली हो, ठीक है, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, गैल्वा ही पढ़ा जाता है, गैल्वा मैथमेटिशियन थे गैल्वा, लेकिन अपने लोग ना गैलोइस लिखते हैं, गैलोइस लिखते हैं, बोलते बोलते इतनी आदत पड़ जाती है ना, सामने खड़ा टीचर भी गैलोइस बोलता है और हम लोग गैलोइस पढ़ते हैं, तो गैलोइस पढ़ते हैं क्योंकि स्पेलिंग अपने को याद रखनी है, तो स्पेलिंग याद रखने के लिए अपने लोग ना बड़ी मजबूरी में जाने क्या क्या करते हैं। कुछ सुने मिला, कुछ प्रोनाउंसिएशन मिला, अच्छा तुम पेन लिए थे, हम सोचे तुम प्रोनाउंसिएशन सुनने की कोशिश कर रहे हो कि मिला प्रोनाउंसिएशन की नहीं, यार इतनी उम्मीद से हम तुम्हारी तरफ देखे कि प्रोनाउंसिएशन बता दो ना, योस्पी पियानो फिलहाल ऐसा ही नाम लेंगे क्योंकि अपने को स्पेलिंग याद रखनी है, फिर भी बता दो ओरिजिनल ये याद रखना, इधर जो भी नाम लिखे जाएंगे ना उनका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है अगर ये जानना है तो एक बार गूगल के पास जाना, वहीं से तुमको मिलेगा। अपने लोग हम बता रहे हैं, हम भी इसी फील्ड में पढ़े हुए हैं, इस फील्ड में बड़ी गड़बड़ी है, आपको सही नाम बताया नहीं जाता है, जैसे अभी हम इसका नहीं बता रहे, अभी हम इसका नहीं बता रहे, ठीक है, लेकिन इसका इसका हम तुमको बता रहे हैं, ये गैलवाइस लिखा जाता है लेकिन है ये गैलवा, और ये डिरिचलेट लिखा जाता है ये डिरिचले, फर्क है दोनों का। योस्पी पियानो ये काम किए थे, मतलब पैदा जो हुए थे 1859 में, 1859 और डेथ हुई थी 1932। हाँ अंग्रेजी में भोपाल नहीं मारा जा सकता, अंग्रेजी और गणित दोनों देखा, मतलब किसी सब्जेक्ट में नहीं मारा जा सकता, नहीं किया ऐसा ही किसको ये हिस्ट्री अगर जाओगे ना तो हिस्ट्री में सबने अलग अलग अपना अपना नाम दिया ना, फिर आपको पूरा पूरा देखना पड़ेगा। ये जो हरमन ग्रासमैन दिए हुए थे, हरमन ग्रासमैन इसका कोई नाम ही नहीं दिए, कोई नाम ही नहीं दिए ना, हरमन ग्रासमैन पूरी स्टडी करके करते 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 चले आए, उन्होंने एक स्ट्रक्चर के तौर पर इसकी स्टडी को और एज इट इज छोड़ दिया है ना। अब इस पे कहीं लिखा मिलता है कि इन्होंने कुछ नाम दिया था, कहीं लिखा मिलता है इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया हुआ था, अपनी किताबों में तो बलिहारी है, गूगल ना हो, गूगल ना हो तो हम लोग ये सब कुछ नहीं जान सकते किसने क्या किया था। हमको अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं मिली, मेरे पास जितनी भी किताबें हैं लीनियर अलजेब्रा के नाम पर, एक भी किताब ऐसी नहीं मिली है जिस पर इंडियन राइटर ने थोड़ा भी इतिहास पे नजर डाली, एक भी नहीं, कहां से हम लोग जानेंगे। हम लोगों के पास आखिरी रास्ता बचता है गूगल पे, जो जानकारी गूगल पे है सही है गलत है, हालांकि सही है, मैथमेटिशियन के नाम पे ना इतना इतिहास में भसड़ नहीं मची पड़ी है जितना अपने यहाँ पे ना, अपने यहाँ पे झोली भर का इतिहास पाले बैठे हैं,
ये इनको हराए थे, वो इनको हराए थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अलग ज्ञान है, फेसबुक का अलग ज्ञान है, मैथमेटिक्स में भी ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में जो ज्ञान है सॉलिड है, तो गूगल जो बताता है ना उसी को हम लोग मान करके चलते हैं, हाँ ये बातें सही है अपने। तो हम तुमको बता रहे हैं जब तक हम पढ़े एक टीचर ऐसा नहीं रहा जो थोड़ा भी इतिहास के बारे में बोला होता मैथमेटिक्स का, थोड़ा भी नहीं। तो हम तो जो भी जान रहे हैं ना केवल और केवल गूगल से जान रहे हैं, वो भी जितने का टाइम पाए गूगल करने का ना, जितना लिख पाए। अच्छा ये चीजें जो आप डेली बेस में नहीं रखे हो, ये मेरा डेली बेस नहीं है, तो डेली बेस में ना हम बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं मैथमेटिक्स के केवल मुझको वो इतिहास याद रह गए हैं, केवल वो याद है जो मेरे पास रखी हुई किताबों में पड़े हुए हैं, जिनको हम बार बार पढ़ते वक्त नजर दौड़ाते हैं। कई इतिहास जैसे ये सन नहीं आ सकता है क्योंकि ये सब वो चीजें ना जो आप डेली नहीं देख रहे हो, तो इसके बारे में हम ये मतलब गलत बोल रहे कि हरमन ग्रासमैन ने ये नाम दिया हुआ था, तो ये हरमन ग्रासमैन के साथ तो जो है गलत है, ये है ये तुम लोगों के साथ सबसे ज्यादा गलत है कि हम गलत नॉलेज लेकर के गलत ही बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया हो या किसी भी सब्जेक्ट की दुनिया, माना जाता है अगर आपको चीजें नहीं पता है ना सीधा एक्सेप्ट कर लो भैया नहीं पता, सीधा एक्सेप्ट करो, लेकिन जोड़ तोड़ ना करो ना कि कहीं का कुनबा कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये सारी हरकतें नहीं पाली जाती है। तो सेम कंडीशन हरमन ग्रासमैन क्या नाम दिए थे ना, ये वास्तविकता में हमको कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, कहीं लिखा नहीं मिला, तो हम इसके बारे में जानते ही नहीं ना। लेकिन हाँ इन्होंने जो कहा, इन्होंने इसको पहली बार वेक्टर स्पेस कहा, ये बातें लिखी मिलती है, ये बातें हरमन ग्रासमैन का नाम गूगल पे खोज सकते हो। इतिहास पढ़ना बुरा नहीं है, गणित के स्टूडेंट हो गणित का इतिहास नहीं जानोगे तो फिर क्या है ना। अच्छा दूसरा एक माइंड सेट तोड़ करके रखना पड़ेगा तुम लोगों को, माइंड सेट ये तोड़ो ना कि इतिहास जानोगे तो सिर्फ हिंदुस्तान का ही जानो, ये भी नहीं, हिंदुस्तान का भी इतिहास जानो उतना ही हिंदुस्तान के गणितज्ञ का जितना फॉरेन का ना, दोनों की जानकारी जरूरी, क्योंकि पूरी गणित ना अकेले एक दुनिया नहीं डेवलप कर पाई है, ये पूरी गणित डेवलप हुई है, यहाँ ज्योमेट्री डेवलप होती है, मिस्र में अलजेब्रा दोनों का फ्यूजन होता है तो बनता है लीनियर ना, अलजेब्रा बनता है लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस में जितना काम है ना वास्तविकता में अपने यहाँ कम हुआ है, कैंटर ना होते ना कैंटर को प्रिंस कहा जाता है ना, कैंटर जितने थे कैंटर ने जो जो थ्योरी लिखी है आज भी उसके ऊपर रिसर्च चल, दोनों का इतिहास है। अपने लोगों को ना ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, पहले मान करके चलो तुम अगर इस माइंडसेट पर जी रहे हो ना कि नहीं हिंदुस्तान का इतिहास जानेंगे क्योंकि हम सर्वोपरि हैं, हिंदुस्तान विश्वगुरु है और हमको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है, तो भैया ये बहुत गलत बात है, हिंदुस्तान विश्वगुरु है तो मानो इसको, किसने इनकार किया, हम भी नहीं इनकार कर रहे विश्वगुरु है, हाँ अपने यहाँ पुराने जो पुरानी परंपराएं थी बहुत अच्छी थी, हम खुद मानते हैं पुरानी परंपरा में पढ़ने के तरीके बहुत बेहतर हुआ करते थे, कम से कम आज से तो लाख दर्जा बेहतर थे, आज तो अपने रटते हैं रट करके अभी क्लास में जाते हैं, अभी तो ये हाल, पुरानी परंपरा में ना रटने से ज्यादा सीखने पर जोर होता था, प्रैक्टिकल नॉलेज होता था, लेकिन पुरानी परंपरा लागू करेंगे या खाली बस अललाएंगे कि पुरानी परंपरा बेहतर थी, तो पुरानी के चक्कर में नए को भी दांव पर लगा दे रहे हो। अब यहाँ सब एक माइंडसेट तैयार कर लिया, हम हिंदुस्तान का इतिहास ही पढ़ेंगे और कोई पढ़ भी नहीं करेंगे, अगर तुम सिर्फ हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ोगे ना तो तुम गणित के इतिहास के साथ किसी भी सब्जेक्ट के, लेकिन अपने गणित वाले तो बोले गणित के इतिहास के साथ ना घोर अपमान होगा गणित के इतिहास का, क्योंकि सीक्वेंस का काम कौसी का है, सीक्वेंस का काम कैंटर का है, सीक्वेंस का काम बोलजानो वेस्टास का है, इन लोगों ने जो काम किया ना आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये लोग नींव है, नंबर थ्योरी का काम रामानुजन से बेहतर कोई नहीं, हार्डी है रामानुजन इनको आप पढ़ो बिल्कुल ही पढ़ना बनता है, लेकिन पढ़ो तो हार्डी को भी पढ़ो उतने ही सम्मान से जितने सम्मान से आप रामानुजन, ये दोनों का सम्मान, क्रॉनिकर थे क्रॉनिकर के मतलब मेरे अंदर में क्रॉनिकर के लिए जम के अपमान भरा है मेरे अंदर, हम पर्सनली खुद को बोलते हैं, लेकिन मेरे अपमान करने से ना क्रॉनिकर का किया गया काम घट नहीं जाता, हम क्रॉनिकर को इसलिए नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना क्योंकि क्रॉनिकर की वजह से कैंटर को, कैंटर मेरे मतलब सबसे पसंदीदा मैथमेटिशियंस में से अगर पूछोगे तो मेरे यहाँ कैंटर मेरे पसंदीदा हैं, क्योंकि कैंटर का काम पढ़ते वक्त ना आपको एक गूज़बम्प होता है, कैंटर ने जो काम किया कैंटर ने जो जो स्टेटमेंट दिए कैंटर के सम्मान में जो स्टेटमेंट लिखे गए इनको पढ़ते वक्त गूज़बम्प होता है, जब मतलब हिल्बर्ट लिखते हैं कैंटर ने जिस स्वर्ग की रचना की उससे हमको कोई नहीं निकाल सकता, रियल एनालिसिस कैंटर का बनाया हुआ स्वर्ग, आप कैंटर को नहीं पढ़ते और आप रियल पढ़ते हो धत्ता हो धत्ता ना, आप कैंटर को पढ़ो आप रियल हो ना, कैंटर को पढ़ रहे हो तो रियल पढ़ रहे हो और रियल पढ़ रहे हो तो कैंटर को जानना जरूरी है, और आप कहो कि नहीं रियल में जो इंडियन राइटर ही काम किया वही पढ़ेंगे, नहीं आप बेईमानी कर रहे हो, नंबर थ्योरी पढ़नी है आप पढ़ो रामानुजन को पढ़ो, आपको पुराना इतिहास पढ़ना आप आर्यभट्ट को पढ़ो बिल्कुल आपको मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन पढ़ो तो बराबर पढ़ो। तो इनके लिए जो कहा गया काम है ना किसके हरमन ग्रासमैन के लिए, ये गूगल पे सर्च करना ना तुमको मिलेगा एक अच्छा खासा चिट्ठा, हम पाकर इधर लिख करके रखे इधर नहीं लाए ना, क्योंकि सेकंड ईयर में ये सब लिखाएंगे ना तो कई लोग अभी इतना बख्या ना कई लोग ये सोच रहे यार चलते लिखाते, ये माइंड सेट तैयार है अपने आप ना, अपने आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना नहीं चाहता, अपने आप
लगे पड़े हैं चाहे अपने नई व्यवस्था में जी करके पुरानी व्यवस्था की दुहाई देते हैं, अगली वाली व्यवस्था को दरियाते हैं और उसी व्यवस्था में जिंदा रहते हैं। हम लोग इसमें हम लोग ना खाली सवाल कंसर्न मतलब अपने लोग ना प्रॉब्लम कंसंट्रेटेड हो चुके हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे लगाएंगे न्यूमेरिकल आते हैं मुझको अपने इसमें जी रहे हैं कंप्लेन बाय कॉज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स अपने इस पे जी रहे काहे जी रहे गाइस, तुम गणित का ना गा भी नहीं जानते। अगर वास्तविकता अगर तुम खाली सवाल लगाने से तो गणित का गा नहीं जानते, तुम केवल सवाल अप्लाई करके किसी तरीके से थ्योरी लगा पाओ। एक होता है ना आप गणित की समझ रखते हो, एक होता है गणित का सवाल रखते हो, बड़ा फर्क है दोनों धीमे धीमे आएगा। लेकिन इसके लिए हरमन ग्रासमैन के लिए मेरी तरफ से सजेशन है पढ़ना इसको ना गूगल पे तुमको मिलेगा ध्यान मुझको नहीं आते, हमसे चाहना होगा तो बिल्कुल हम लिख करके रखें पूरा पथन्ना फोटो स्टेट थमा देंगे, हम पूरा लिख करके रखें लेकिन याद नहीं रहता। बोले आगे क्या यही प्रोनाउंसिएशन है ग्यास्पी पियानो तब तो अच्छी बात है कम से कम मेरा कुछ प्रोनाउंसिएशन सही हुआ। लिखना लिखा गया है वन पर्सन हुड स्टडी इट वाज द इटालियन मैथमेटिशियन ग्यास्पी पियानो फुल स्टॉप करना आगे लिखना पियानो क्लैरिफाइड ग्रासमैन्स अर्लियर वर्क पियानो क्लैरिफाइड क्लैरिफाई करना मतलब अरे क्लैरिफाई करना मतलब हाँ स्पष्टीकरण टाइप का देखो शुद्ध हिंदी भी भूल गया आपको लोग फ्यूजन हो गए ना उधर लिखना पियानो क्लैरिफाइड ग्रासमैन्स अर्लियर वर्क ग्रासमैन्स एपोस्ट्रोफीस रहेगा पियानो क्लैरिफाइड ग्रासमैन्स अर्लियर वर्क And laid down, LAID, and laid down, grassman लिखो और उसके बाद apostrophe s लगाओ। Piano clarified, piano ने स्पष्टीकरण दिया, clarified करना मतलब clarify करना, स्पष्ट करना। Piano clarified, grassman's earlier work, grassman का जो काम किया गया था, उसको piano ने स्पष्टीकरण किया, मतलब जो कठिन भाषा में था, उसको आसान भाषा में अनुवाद किया। एंड लेड डाउन द एक्सियम्स और अब उन्होंने वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को रखा सामने एंड लेड डाउन द एक्सियम्स AXIOMS लेड डाउन द एक्सियम्स फॉर अ वेक्टर स्पेस और उन्होंने वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को सामने रखा मतलब उन्होंने ये रूल बताया जो रूल अभी हमने लिखे थे and laid down the axioms for a vector space as we know them today मतलब अभी जो हमने पढ़ा ना v plus addition आपे v addition के साथ क्या बनाए abelian group इसके बाद क्या कहा external composition hold करे फिर vector का multiplication scalar के addition पर distribute हो scalar का multiplication vector के addition पर distribute हो ab into alpha बराबर ab alpha हो और 1 belong करे कि 1 into alpha बराबर कितना है alpha ये जो आपने एक्सियम्स लिखा है ये एक्सियम्स आपको किसने दिया है पियानो ने दिया ठीक ये एक्सियम्स ग्रासमैन का दिया हुआ नहीं है ग्रासमैन ने जो भी काम किया था वो काम फिलहाल हम लोगों के सामने ना है और ना तब तक आएगा जब तक हम लोग खोज करके उस काम को ना लिखेंगे तब तक नहीं ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां से चैप्टर चालू हो जाता है प्रॉपर्टी पहले लिखा दिए हैं चैप्टर यहां से चालू होता है अब हम साबित करेंगे कि कोई भी दी गई फील्ड अपनी ही सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है इस थ्योरम से पहले अगर वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन कराते हैं तो शायद जा पाते हैं चलो पहले यही कर देते थ्योरम लिखना और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से भी पूरे लीनियर अलजेब्रा के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी खूब पूछा गया है ना प्रूव दैट एग्जाम में पूछा गया है लिखना मत बस अभी सुनो प्रूव दैट एवरी फील्ड मस्ट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड जितनी भी फील्ड होती है वो अपनी ही सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस को कंस्ट्रक्ट करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना एवरी फील्ड
एवरी फील्ड कैपिटल के इज अ वेक्टर स्पेस, एवरी फील्ड कैपिटल के इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ओवर इट्स सब फील्ड, ओवर इट्स सब फील्ड, दैट इज अर्थात इसी को लिखा जाता है के ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस वेयर, जहां पर वेयर एफ इज सबफील्ड ऑफ कैपिटल के। ऊपर वाला स्टेटमेंट ना पूरा भारी भरकम लिखा गया है, नीचे वाला स्टेटमेंट एक सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। कह रहे के ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस होगा जहां पर जो ये एफ है अंदर वाला, ये के वाले का क्या होगा सबफील्ड। अच्छा गौर करना, हमने यहां पर ना के को फील्ड नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा ना, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं वेयर के इज द, वेयर के इज द फील्ड एंड एफ इज द सबफील्ड ऑफ के। अब इसको कहने की जरूरत नहीं, जब आप ये कह दिए ना कि ये कौन एफ कौन है, सब फील्ड है किसका, के का। जैसे आपने सब फील्ड का नाम लिया ना, ऑटोमेटिकली मान लिया गया कैपिटल के क्या बनाएगा, फील्ड। फील्ड का छोटा टुकड़ा ही तो सब फील्ड बनाएगा, तो इसका मतलब जब तक के फील्ड नहीं बनाएगा, जब तक ये सॉरी हाँ के फील्ड नहीं बनाएगा तब तक एफ उसका सब फील्ड नहीं हो सकता। सबसे पहले जरूरी है के को क्या होना, फील्ड होना। फील्ड का सबसेट कौन था, एफ, और एफ ने भी क्या बना दिया, फील्ड। तो इसके लिए क्या कहा जाए, सब फील्ड। क्लियर है बातें, चलो मन वाली बात एक एक प्रॉपर्टी प्रूफ करें। प्रूफ ये बताओ, एक्सियम्स दिमाग में रखना। जब हम कहते हैं कि हमें साबित करना है वी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ एक वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा, जब हम ये कहते हैं कि वी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा, उस वक्त जो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आती है, पहला एक्सियम्स जो पियानो ने दिया वो ये था कि वी एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाना चाहते हैं, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहते। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये दिमाग में आती है, अपने अंदर में पांच प्रॉपर्टी समेटा, अपने को ये पांचों नहीं दिखाना, रीजन सुनना क्यों नहीं दिखाना। कंपेयर करो V की जगह पर कौन है, K, और आप कह रहे हो K कौन है, फील्ड है। तो अगर कैपिटल K एक फील्ड है, दिमाग चलाना, अगर कैपिटल K एक फील्ड है तो फील्ड के लिए मेरे पास जो पास्टुलेट पड़े थे वो ये थे कि दिया गया कोई सेट, ध्यान देना कोई सेट कैपिटल S एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ फील्ड बनाएगा। अगर पहली बात एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा, इसमें से एडिशन की आइडेंटिटी को निकाल दो, बाकी बचे एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या बना सकते हैं, हमको बाकी की चाहिए ही नहीं, हमको तो बस इतने से काम हो गया। कैपिटल यस एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाता है, अबेलियन। तो ये बताओ कैपिटल के एडिशन के साथ पक्की बात है क्या बनाएगा, क्या पहला पास्टुलेट यही था कि नहीं, काम खत्म ही था। सबसे पहले पास्टुलेट में लिखना कैपिटल के इज फील्ड, क्योंकि कैपिटल के एक फील्ड है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब स्पष्ट है कि कैपिटल के एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। कैपिटल के विद ऑपरेशन एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अगली बारी अपनी क्या आती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन का होल्ड, ठीक ये नोट कर लो, उसके बाद फिर मेरी तरफ देखो। हो गया सबका, अच्छा सुनो इधर, इसी पास्टुलेट की तरफ चलो। जब हमको ये साबित करना होता है कि कैपिटल भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो उस दौरान कहते हैं जो आपका ये मेन सेट है ना, मेन सेट ये एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। पहला पास्टुलेट, तो के ओवर एफ को वेक्टर स्पेस बनाना था, तो के को एडिशन के साथ क्या बनाना पड़ेगा, अबेलियन। अपने को पता है कैपिटल के फील्ड है, फील्ड है तो एडिशन के लिए अबेलियन तो ऑलरेडी होगा ही, कुछ दिखाने की नीड नहीं है। दूसरी बात अपने को क्या बनाना, अपने को ये दिखाना है कि आपका जो ये है बी, बी ओवर एफ, अब फॉर ऑल एक्सटर्नल कंपोजिशन सुना,
फॉर ऑल वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल वी एंड फॉर ऑल स्केलर ए बिलोंग टू द एफ, जो आपका ए इंटू अल्फा भी तैयार हो। बाहर से मेंबर आया कहां से, फील्ड से, घर के मेंबर पर ऑपरेट किया, रिजल्ट ए अल्फा किस में तैयार हुआ, घर के अंदर। दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसको होल्ड कराना है तो ये बताओ, दिमाग से सोच करके बताना, मेरा आज मेरा स्ट्रक्चर के ओवर एफ है कि नहीं है, के ओवर एफ। हम कह रहे हैं के कौन है, फील्ड है, और एफ कौन है, सब फील्ड है। अब ये बताओ, अगर के फील्ड है और एफ उसकी सब फील्ड है तो तय बात है एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ के होगा कि नहीं। बिना सबसेट हुए तो ये रिलेशन सब फील्ड का तो आता ना, तो इसका मतलब एफ इज द सबसेट ऑफ कैपिटल के हुआ। अब ये बताना एफ के जितने मेंबर हैं वो सारे किसके मेंबर हैं, के के। और अपने लोग के बारे में एक बात जानते हैं कि के कौन है, अगर ये फील्ड है तो एडिशन के लिए भी अभिधेय बनाएगा और इसमें से जीरो को निकाल दो, जीरो को निकाल दो, तो बाकी बचे हुए लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, यानी ये ऐसा देखना के विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये भी आपका क्या बनाएगा, अभिधेय बनाएगा, क्या के नॉट कंफर्म है बातें। अभी बताओ के के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, अगर ये फील्ड है तो के के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, दोनों का प्रोडक्ट खुद कैपिटल के पास आएगा कि नहीं आएगा, मानते हो? तो हम कहते हैं एक मेंबर हमने उठाया कहां से, एफ से, चलो इस मेंबर को नाम दिया कितना, लैम्डा। लेकिन जो जो मेंबर लैम्डा एफ का है वही मेंबर पक्का किसका होगा, के का होगा कि नहीं होगा। तो आप लैम्डा भले एफ से उठाओ लेकिन वो लैम्डा वास्तविकता में है किसका, के का, तय हो गया। तो लैम्डा भी किसका हुआ, गौर करना, लैम्डा बिलोंग टू द कैपिटल के, हाँ या ना। अब ये बताना, जब वेक्टर स्पेस कर रहे थे कल भी बताए थे, भैया मुख्यमंत्री हो गए तो आप सीधे नहीं मिल सकते, कल भी बताए थे। तो ये बताओ इसके मेंबर को आप स्केलर तो कहोगे नहीं, इसके मेंबर को आप क्या कहोगे, वेक्टर। भले ये दोनों मेंबर साझा करते हैं, इसका हर मेंबर इसी का मेंबर है, लेकिन इसके मेंबर को नाम दिया जाएगा स्केलर और इसके मेंबर को वेक्टर। तो हम इसका एक मेंबर उठा रहे हैं, लेट एनी वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द आवर सेट कैपिटल ए। तो ये बताओ यही बगल मिलते हैं, अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल ए, वेक्टर। कैपिटल के से दो मेंबर आ गए, पहला कौन लैम्डा, दूसरा कौन अल्फा, तो दोनों का प्रोडक्ट लैम्डा इनटू अल्फा ये भी किस में होगा, के में। रीजन, कैपिटल के मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाता है, अभिधेय, और अभिधेय की पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होना। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या इन दोनों का प्रोडक्ट भी के में आएगा कि नहीं आएगा, आप सोचो। लिखा तो हमने के, लिखा हमने के बेस पर, लेकिन पढ़ेंगे इनके बेस पर। इसका मतलब पहला मेंबर उठाया कहां से, एफ से, दूसरा मेंबर उठाया कहां से, और दोनों को ऑपरेट करा के रिजल्ट भी किस में दिया, के में। दैट्स द एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड, हाँ या ना। कितने लोगों को अभी भी इसमें दिक्कत है, ईमानदारी से बोले। किससे, के नॉट से जो लिया जाता है ना, वो तब लिया जा रहा है के नॉट से, जब हम कह रहे हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए अभिलियन बनाने जा रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन के लिए अभिलियन बनाने जा रहे हैं, तो हम इसको के नॉट से ले जाते हैं। अभी आज की तारीख में ना मुझको अबेलियन नहीं बना, आज की तारीख में मुझको केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी देनी है, तो हम इसको के नॉट से नहीं, हम इसको सीधे के से उठाते हैं। ये बात क्लियर हुई, पता है के नॉट से क्यों उठाते ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन दिखाने के दौरान जीरो का इनवर्स नहीं आता, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहां जब प्रॉपर्टी करते हैं फील्ड और सब फील्ड में, जब आप फील्ड प्रूफ करने जा रहे हो ना, तो आपके दिमाग में अलग क्राइटेरिया है, वेक्टर स्पेस प्रूफ करते वक्त अलग क्राइटेरिया है। ये बताओ वेक्टर स्पेस में एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड कराते वक्त मुझको सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी की दरकार है कि नहीं, रुको पूरा साफ सुथरा लिखते हैं तब समझ। टॉपिक ऐसा है ना, ये थोड़ा सा तो बड़ा ही नाम से चल रहा है, इधर ध्यान देना, सारी बात पूरी पूरी लिखते हैं। के ओवर एफ ये मेरा मेन स्ट्रक्चर है, ऑपरेशन एडिशन है और कौन है मल्टीप्लिकेशन। आप सारे लोग और ध्यान से समझना, एफ कौन है, सब फील्ड। के कौन है, फील्ड। इसका मतलब तय हो चुका है एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ कैपिटल। आप सोच करके जवाब देना, ऊपर का मजा है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट हो चुका है। ये बताओ अगर F belong, F is the subset of capital K है, तो इसका मतलब for all lambda belong to the F implies that lambda is the member of capital K, हाँ या ना, सब लोग मानते हो। अगली बात, अगर ये, अगर आपका capital K field है
तो फील्ड होने के नाते ये कुल कितनी बात कहा होगा, ये फील्ड होने के नाते बात कहा होगा कि कैपिटल के एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाया होगा, अबेलियन ग्रुप। अच्छा, कैपिटल के नॉट एडिशन की आइडेंटिटी निकाल दिया, के नॉट मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाया होगा, अबेलियन। सोचो ये आप तब कहते हो ना जब आप इसको क्या कह रहे हो कि ये एक फील्ड है, तब आप इसकी गारंटी दे रहे हो। फील्ड बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा, और जब जब आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा तब तब आपको इसमें से जीरो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी जीरो लिया आपने, और एडिशन की आइडेंटिटी जीरो लेने के नाते जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम इस बात को ना देखें, कौन सी अबेलियन ग्रुप बनाने वाली बात को ना देखें, तो सिर्फ ये बताओ क्या कैपिटल के मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अबेलियन मेरे दिमाग में है किसको अबेलियन ग्रुप बनाना है। अबेलियन ग्रुप बनाने के दौरान एक पेच फंसता है कि जब आप इनवर्स वाली लाइन पर आते हो क्लोजर तक आपको जीरो डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोजर तक, क्या क्लोजर तक आपको जीरो डिस्टर्ब किया? नहीं किया। जीरो आपको बस एक दिन डिस्टर्ब कर रहा है, कब? जब आप इनवर्स लेना है। उस इनवर्स को लेने के लिए मेरी मजबूरी है कि मुझको इसमें से जीरो को निकाल देना, और तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना। तो इसका मतलब जब हम केवल और केवल एक्सटर्नल कंपोजिशन देख रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में इनवर्स का पचड़ा नहीं चल रहा, एक्सटर्नल कंपोजिशन ही देखा जा रहा है। उस दौरान गौर करना, हम एफ से मेंबर चुन रहे हैं किसको, लैम्डा को। ये बोलो क्या एफ खुद एक फील्ड है कि नहीं है, और अगर ये फील्ड है तो एडिशन ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाएगा कि नहीं, और अगर ये एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाएगा तो जीरो ऑलरेडी बिलोंग टू द कैपिटल एफ होगा कि नहीं होगा। और अगर जीरो ऑलरेडी बिलोंग टू द कैपिटल एफ है तो ये बात तो एक बात साफ है कि जीरो मेंबर ऑफ कैपिटल के, हाँ या ना? Yes, मानते हो? और अगर जीरो कैपिटल के का मेंबर है तो इसका मतलब अब आप यहां से जो भी मेंबर चुनोगे वो सारे मेंबर किसके होंगे, कैपिटल के। मुझको कुल दो मेंबर चुनिए, एक सब फील्ड से चुनना है और एक आपकी मेन फील्ड से चुनना है। तो चलो सब फील्ड से हमने चुन लिया अपनी मर्जी से किसको, लैम्डा को, और फील्ड से किसको चुना, जिसको भी चुना स्केलर नाम नहीं दे सकते, उसको नाम वेक्टर का देना पड़ेगा। लेट अल्फा बिलोंग टू द एफ और इसके साथ लैम्डा बिलोंग टू द एफ, वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल के। बोल, इतनी बात से सारे लोग सहमत हो? अब ये बताना, ये लैम्डा जो आज आपको एफ का नजर आ रहा है ना, वास्तविकता में ये लैम्डा किसका है, के का। तो आपने लैम्डा भी के का चुना, अल्फा भी के का चुना, और के को आप कह चुके हो के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, हाँ या ना? करेगा। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो लैम्डा इंटू अल्फा बाहर नहीं जाएगा बल्कि खुद किसमें आएगा, बिकॉज के इज द फील्ड, के फील्ड है, ये इसमें बिलोंग करेगा। सोचो क्या हमने लैम्डा को जीरो होने से कहीं रोका? नहीं, अपनी जरूरत ही नहीं ना उसको रोकने की, उसको रोकने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप फील्ड दिखा रहे हो। सोचो जब आप फील्ड दिखाओगे ना तब आपको रोकना पड़ेगा। वेक्टर स्पेस दिखाने के दौरान क्या आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हो? नहीं करते। तो आपको जीरो को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ रही है सबको? मुझको एफ से जीरो चुनने से रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हम एफ से उठने वाला हर मेंबर जीरो भी होगा तब भी मेरा काम होगा, जीरो नहीं होगा तब भी मेरा काम होगा, क्योंकि मुझको पूरे वेक्टर स्पेस के दौरान मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तलाश नहीं करनी है। करनी है? कब रोकेंगे जीरो? जब फील्ड और सब फील्ड की चर्चा करेंगे तब। जब हमको फील्ड प्रूव करना होगा ना तो हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इनवर्स। आज तो नहीं दिखाना ना, तो आज हम क्या करें? लैम्डा बराबर जीरो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। लैम्डा बराबर नॉन जीरो ले सकते हैं? वो भी ले सकते हैं, दोनों चले। क्लियर है सबको? चले आगे। अब ये बताना, लैम्डा इंटू अल्फा बिलोंग टू किससे किया, के से। क्यों किया? क्योंकि के मेन फील्ड है और एफ से चुना गया हर मेंबर वास्तविकता में किसका है, के का है। क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड किया? अब अलग अलग देखो जरा, लैम्डा किससे लेकर आए, एफ से। इसको अल्फा को कहां से लेकर आए, और रिजल्ट किसमें आया, दैट्स द एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड। इसीलिए होल्ड कर पाया क्योंकि अंदर में बैठी कौन थी, सब फील्ड, और बाहर कौन था, फील्ड था। इसका चुना गया हर मेंबर बाहर वाले का मेंबर था, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी मिली है। क्लियर है ये बातें? लिखा जाए इसको। हम एकदम इत्मीनान से चल रहे हैं, समझ लेना जो समझना होगा यहीं पर ना, क्योंकि बाद में तुम वीडियो देखोगे भी ना, ये पढ़ा रहेगा यूट्यूब पे, अपने को इसकी दरकार नहीं है। ये पढ़ा रहेगा, तुम देखोगे तो समझाएंगे तो हम यही ना, तो जब यही समझाएंगे तो इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन जो अभी समझाने पर बने हैं या तभी समझाने पर बने रहेंगे। इसीलिए अभी जिसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होगा अभी पूछना, वर्डिंग अभी बदल जाएगी।
इससे सुनोगे ना, इससे तुमको कोई भला होने वाला नहीं। एक बार सुन लिया हमसे ना, अब इससे तुम्हारा एक ही भला होगा। कोई टॉपिक का एग्जाम्पल एग्जाम्पल भूल गया, नहीं समझ में आ रहा है, इसको रिकॉल करके देख लूंगा, बस ये इसीलिए बन रहा हूँ। और अपने सारे प्योर के वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, उधर कॉम्प्लेक्स का इसीलिए बना रहे हैं कि उनको दिक्कत लगे कभी ना, तो कॉम्प्लेक्स में समझने के लिए वापस वीडियो खोल करके देख सके। अदरवाइज ना वीडियो हम खाली वैसा बनाते, बस खाली मार्केट। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल एफ, मतलब एफ कौन, एफ बोले ना तो सब फ्री बोला, ठीक है। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द एफ एंड फॉर ऑल वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल के। वेक्टर से आज का मतलब वेक्टर नहीं लग रहा ना, आज बस इसके घर का मेंबर है, उनको अति सम्मानजनक स्थिति में रख करके वेक्टर बुलाया जाएगा। जिस दिन तुम सोचो, जिस दिन तुम ही सब फील्ड का काम करोगे ना, उस दिन तुमको सम्मान भी देंगे, उस दिन तुम्हारा अपमान भी करेंगे, दोनों करेंगे। तब तुम ही स्केलर हो और तुम ही क्या हो, तुम ही स्केलर, तुम ही गंगा, तुम ही बेटर, यानी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन ए अल्फा, ये रहा ए अल्फा, ठीक है, क्लियरली बिलोंग टू द कैपिटल के। क्यों होगा, रीजन बता, बिकॉज, क्योंकि ये आ रहा है ना, हमारी फील्ड कैसी होती है, क्लोज होती है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। फील्ड इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, फील्ड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसी होती है, क्लोज होती है, ठीक। और एक बात, एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज होती है, ये कहना एक बात, और दूसरी बात, एंड एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ कैपिटल के। इतना कह दिया ना, समझदार आदमी बस इतने कहता है, एफ बिलोंग टू द, एफ इज द सबसेट ऑफ कैपिटल के। एक तरफ आप कह रहे हो इसका हर मेंबर इसका होगा, सोचो एक बार आप कह रहे हो इसका हर मेंबर के का होगा, और दूसरी तरफ आप इसी के को कहते हो कि आप मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो, क्लोज। तो इसका मेंबर चुनने का मतलब है किसका मेंबर चुनना, के का, और के का मेंबर चुना तो एक बार अल्फा चुना वो भी के का, जिस लैंडा को एफ से लाए थे वो भी किसका, के का, और मल्टीप्लिकेशन के लिए के को क्लोज कहा तो लैंडा इंटू अल्फा भी किसका, दैट्स द एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड, लिखना, दिस इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड। एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड, जो बताता है कि एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करता है। एक्सटर्नल कंपोजिशन के बाद अपने पास होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्केलर एडिशन, और अगला होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेक्टर एडिशन। हो गया, इसको भी अपने को करना थोड़ी ना पड़ेगा, ध्यान देना बस, ये हटा दें, ये सबका हो गया। एक बात सोच करके जवाब दो, जब आप फील्ड कह रहे होते हो तो फील्ड में आप स्ट्रक्चर क्या क्या ले रहे हो, जैसे हम कह रहे हैं ना कैपिटल के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ फील्ड है, ये हम कहते हैं। तो अगर ये फील्ड है तो पहली प्रॉपर्टी हम देते हैं कैपिटल के एडिशन के साथ अबेलियन बनाएगा, के में से एडिशन की आइडेंटिटी को हटा दो तो के नॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाएगा, अबेलियन। और आखिरी प्रॉपर्टी ना हम बड़े दावे के साथ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट, यही तो लिखते आए हैं। इसका मतलब क्या लिखते थे, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द कैपिटल ए, वी कैन राइट ए इंटू B plus C is equal, अभी किधर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन से जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से वहां जा रहे हैं A into B plus A into C, एक ये, और क्या लिखते थे, B plus C आपकी किधर से आ रहे हैं, राइट से, इज इक्वल टू क्या लिखते B into A plus C into B, यही तो लिखते आए थे ना, बस यही मेरे लिए रामबाण इलाज है। अब गौर करना, अब हम क्या करेंगे, अब तो खेल करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, लिखना मत केवल सुनो, तीसरी प्रॉपर्टी तो हम कहने चल रहे हैं कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा वेक्टर के एडिशन पर, v मतलब वेक्टर, v मतलब वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर, और उस पर डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे, स्केलर का, तो दोनों वेक्टर चाहिए ना, तो इसका मतलब आप अपनी फील्ड से कितना एलिमेंट चुनोगे, दो, दो। तो यानी हम लेते हैं लेट वेक्टर अल्फा कॉमा वेक्टर बीटा बिलोंग टू द आवर फील्ड कैपिटल के, और ये लैम्डा बिलोंग टू द आवर सब फील्ड एफ। लेकिन हकीकत क्या है,
हकीकत तो ये है ना कि ये लैम्डा भी इसी में शामिल है कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब आज की तारीख में तो कहानी ये बन गई, लैम्डा कॉमा अल्फा कॉमा बीटा ये तीन के तीनों मेंबर हैं किसके, कैपिटल के। एक्चुअली ना यहाँ एकदम उल्टी कहानी है, कहानी ये उल्टी है कि आप जिसको स्केलर मान करके चुन रहे हो वो आपके वेक्टर वाली कैटेगरी में ही शामिल है, क्योंकि सब फील्ड का हर मेंबर किसका है, ये बिल्कुल वैसे ना तू ही घर द्वार तू ही चुलिया लेवा, जिसको आप अलग लेकर के आ रहे हो ना वो भी फील्ड में बैठने को तैयार है, जिसको आप अलग से चुन रहे हो ए तुम सब फील्ड के हो, वो कह रहा सब फील्ड के है इसीलिए तो फील्ड के है, इसीलिए हम उसकी हर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे बिना किसी लाग लपेटे के, सबको मानेगा। तो सोचो ना, हम जिक्र नहीं करेंगे, हम स्केलर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वेक्टर, हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, हम जिक्र इसका करेंगे। ये तीनों मेंबर किसके हैं, के के, और के कौन है, फील्ड। और अगर के फील्ड है तो हम जानते हैं फील्ड में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, और हम बड़े ध्यान से लिखेंगे लैम्डा इनटू अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी से लैम्डा इनटू अल्फा प्लस लैम्डा इनटू बीटा, लिखा या नहीं लिखा, लेकिन ये तो कहानी। अब आओ इस दुनिया में, इस दुनिया में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस पर, वेक्टर के एडिशन पर, आगे की नहीं, आए कहां से थे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट। अच्छा फिर कहानी पर जो अब की बार हम कहते हैं वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा स्केलर के एडिशन पर, यही तो अब की बार यहां से कितना मेंबर चुने, यहां से एक और यहां से दो, तो सोचो हम एक चुनते हैं लैम्डा, एक चुनते हैं म्यू, और इधर से लिए अल्फा, बस, और ये सब के सब किसके हो गए, लैम्डा इंटू नहीं 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 लैम्डा प्लस म्यू और इंटू कितना, किधर से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं है। अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे, लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करते जब वापस आंख खोलेंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर के एडिशन पर कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सारी कहानी आप किससे रही, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट। ये बातें समझ आ रही हैं, चले लिखा जाए, समझा दिए, लिखना बाकी है, लिखें, किसी को कोई दिक्कत, इनको है ना, तो काहे नहीं बोलते ना, है तो बताओ ना कहां पर है, अब बताइए नहीं करो तो कहां जाते, तुम्हारी मर्जी, तुम अच्छा तुम ये तो नहीं कंफ्यूज हो बी प्लस सी इधर करें ए को इधर करें, ऐसा नहीं सर, मतलब वो तो करते थे वो ठीक है, मगर यहाँ पे अच्छा इस बी को इधर से ले जाए, इस बी को यहाँ ले जाए, ऐसा मतलब अंदर का बी प्लस सी बी रहने दीजिए, एस को इधर ले अंदर बी प्लस सी नहीं, सुनो इधर कौन ऐड है वेक्टर, उस पर मल्टीप्लाई किसका होगा, स्केलर, तो अभी कौन बटेगा, स्केलर बटेगा, स्केलर बटेगा वेक्टर के एडिशन पर, बाद में कौन बटेगा, बाद में वेक्टर बटेगा स्केलर के एडिशन पर, बाद में वेक्टर बटेगा स्केलर के एडिशन पर, तो पहले स्केलर का एडिशन किया, अब वेक्टर का मल्टीप्लाई, अगर तुमको ये कंफ्यूजन है इधर से नहीं इधर से मल्टीप्लाई करें कहीं से भी कर सकते, कोई रोक टोक नहीं, चलो इधर से मिटा दें, इधर कर दिए, अब अभी गौर करना स्केलर के एडिशन पर कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीजन सुनो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट, अपने कहीं से भी दिखा सकते हैं बंटवारा एक बराबर का, अभी क्लियर हुआ, अभी कहीं कंफ्यूज हो अभी बोला, अभी रुके अपने बड़ा धैर्य है, थर्ड ईयर प्रैक्टिकल बहुत धीमे पढ़ाते हैं, अच्छा बच्चे जिस दिन हम तेज पढ़ाना चालू करेंगे ना धुआं धुआं हो जाएगा इलाका, इसीलिए हम तेज नहीं पढ़ा, अपने को पढ़ना ना प्योर मैथमेटिक्स की ब्रांच में आप भाग लेना, देखो तेज पढ़ा के आप किसको संतुष्ट कर पाओगे, हम बताएं कितने को, अगर हम बहुत तेज पढ़ाएंगे तो हम इस पूरे मार्केट में जितने लड़के मेरे पास पढ़ने आते हैं उसमें से हम 30% को सेटिस्फाई कर पाएंगे, 30% ये 30% ना वो होते हैं जो कैलकुलेशन बाप होते हैं, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, ये पूरी जिंदगी कैलकुलेशन करते हैं, ये पूरी जिंदगी कैलकुलेशन करते हैं, अपने ना 30 को काहे देखते हैं, 30 वाले को देखने के लिए दुनिया पड़ी हुई, अपने 70 देखते हैं, 70 वो 70% जो होते हैं ना वो 70% गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, गरीबी रेखा मतलब मस्तिष्क की गरीबी रेखा के नीचे, और बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप मस्तिष्क की गरीबी रेखा के नीचे हो ना तो आपको कभी घमंड नहीं आएगा, आप हमेशा कहोगे सीखने के लिए कुछ और बाकी है, ये रेखाएं और ऊपर होंगी,
हमेशा बाकी। और ये जो अमीरी रेखा के ऊपर वाले हैं 30% वाले, फटाफट कैलकुलेशन वाले ना, इनके अंदर में भी दो कैटेगरी है। 30% की दो कैटेगरी में केवल और केवल 5% है जो थ्योरी भी उतने अच्छे से समझते हैं जितने अच्छे से न्यूमेरिकल। बाकी के 25% न्यूमेरिकल वाले ना, जो 25% होते हैं, इन 25% वालों को हम इसी कैटेगरी में देखते, इनको देख के हमको मनुष्यता पे जबरदस्त संदेह होता है। हाँ, इनको देख के हमको मनुष्यता पे संदेह होता है। तुम करना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो, इनका ये हाल है। ये 25% वाले ना केवल कैलकुलेशन करना चाहते हैं बस। इनको अगर रियल एनालिसिस दिखा दो, इनको कॉम्प्लेक्स दिखा दो, इनको अलजेब्रा दिखा दो ना, तो इनको नानी माई कुल याद आ जाती है एक तरफ से। क्यों? ये खाली ना क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी होल्ड कराना जानते हैं। ये इसको किसी को पढ़ाने भी जाएंगे ना तो कहेंगे अरे हो तो रहा है ना, देखो दो दो जोड़ोगे चार आएगा ना, उसी में तो जा रहा है। उसको मतलब तो बताओ क्लोजर का मतलब क्या होता है। ऐसे लोगों को अगर सेट थ्योरी की दुनिया में लाओ और सेट थ्योरी में नंबर का सेट हटा करके एलिमेंट का सेट बना दो, सॉरी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट का सेट बना दो ना, तो ये त्राहिमाम कर जाएंगे और इनका दिमाग ऐसा फटेगा जैसे तरबूज फटता है। इसीलिए हम 25 और 30% के लिए कभी नहीं पढ़ाए, कभी नहीं। अपने 70 वाले इत्मीनान से पढ़ाओ, जिसको पढ़ना होगा ठीक है, नहीं पढ़ना होगा कौन बांधे बनिया बाजार थोड़े लगती है, नहीं आएगा नहीं आएगा, तो आज तक अपनी जिंदगी में किसी को नहीं मिला है, जैसे मेरी जिंदगी बीत गई। चलो ए भाई अभी बताओ दिक्कत क्या, समझ आया? आया? अच्छा ये बताओ, सुनो इधर 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 मेरी बात सुनो, क्या हम केवल और केवल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करते हुए स्केलर के मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर के एडिशन पर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को स्केलर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर ले गए कि नहीं कर ले? दो प्रॉपर्टी आप सीधे सीधे लिख सकते। चले आगे, चलो लिखते हैं पहले इस बात को, लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। एक वक्त था घर पे पढ़ाते थे ना, मेरे पास केनाई की एक लड़की पढ़ने आई, कभी कभी ऐसी बातों की चर्चा बनती है। केनाई, मेरे पास केनाई वाले बड़े कम लोग पढ़ते ना, रूपाली गोयल ना, हाँ वो पढ़ने आए ना, और त्रस्त हो गए। त्रस्त कैसे हो गए? हम इतना से समझा समझा पाए, हम कैलकुलस भी लिखेंगे तो समझा करके बताएंगे, अपनी हड़बड़ी है नहीं, अपने अंदर ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे, दुनिया के ऊपर होती है ये, डोले मत डोला तन डोला ना, अपनी नीचे। इतना से पढ़ा रहे बतिया बतिया करके पढ़ा रहे, क्योंकि पता है गणित का बोझ दिमाग फाड़ देता है, तो बतिया पढ़ा रहे। और उनको ये लगा कैलकुलेशन तो है, करें सर जी फटाक से कैलकुलेशन। अब ये नहीं पता है बहनी अंडर रूट हटाने के लिए कई लोगों को समझाना पड़ता है अंडर रूट हटाने का तरीका क्या, तो इत्मीनान से चले। वो कहीं सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, इसमें धीमे से स्कोर नहीं पूरा हो पाएगा। अब क्या ठीक है, कल हम तुमको बताएंगे मेरे अंदर तेजी का भी एक किनारा है, बता दी उनको कल मेरे अंदर एक तेजी का किनारा। दूसरे दिन उठाए बच्चन क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल स्ट्रिप काटना ना, सेकंड इंटीग्रल करोगे ड्यूअल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल स्ट्रिप काटोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पहले, आप आओगे ट्रिपल इंटीग्रल में तो आप एक बॉक्स काटोगे, dx भी चाहिए dy चाहिए dz भी चाहिए। आप इतना ऐसे उंगली से बोल दे रहे ना, कई लोगों को नहीं समझ पा रहा हो कैसे कटता है, क्योंकि पढ़े नहीं हो तो कैसे कटता है नहीं जानते। ठीक, अपने उसको इतना समझा दो, उस दिन कुछ इतना नहीं, तुमको तेजी चाहिए थी ना, उस दिन हम ये स्ट्रिप काटे, देखो ये गया ना, ये ऊपर जाएगा तो लिमिट इतनी, ये नीचे आएगा तो लिमिट इतनी, ये कैलकुलेशन इतना, अब धड़ धड़ कैलकुलेशन किया। आखिरी में आंसर, आखिरी में आंसर, एक घंटे की उस क्लास में, उस दिन हम ताजुब करोगे, एक घंटे की क्लास में 9 न्यूमेरिकल बनाए, एक घंटे की क्लास में 9। लोगों को लगता है अरे सर को आता नहीं होगा कैलकुलेशन, इसलिए इत्मीनान से बतिया बतिया करके करते, अरे उल्लू नीरा गठरी ना, हमको कैलकुलेशन काहे नहीं आएगा, तुमको पढ़ाने के लिए जिस कैलकुलेशन की नीड है सीएसआईआर नेट का एग्जाम देने के लिए, उससे भारी कैलकुलेशन चलते, हम उससे भारी कैलकुलेशन करके बैठे हो, काहे नहीं आएगा हमको ना, कर दिए पूरा 9 न्यूमेरिकल लगाए, जाते जाते कह रही है सर जी आज हमको कुछ नहीं, हम क्या देखी ना गड़ेरी अपनी भेड़ों को पहचानता है, हमको पता है तुम्हारा दिमाग 200 ग्राम का है, दर जाएगा ज्यादा तेज चलने, इसीलिए इतना से चलता थर्ड पर आना। थर्ड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द एफ, सोचो हम इसको ना इस स्केलर लिखते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द एफ, लिख कॉमा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बी टाउन belong to the capital K। अब कुछ लोग सोच रहे हैं दो दो सिलेक्शन कैसा, एक का एक में दो से एक में एक का, नहीं हम इकट्ठे सिलेक्शन करके इकट्ठे निपटा देंगे ना, जब इससे एक लेना होगा तो यहाँ से एक चुन लेंगे, यहाँ से दो चुन लेंगे, यहाँ से एक चाहिए तो एक ले लेंगे, यहाँ का दोनों ले लेंगे, एक ही बार में काहे के लिए ना, वही बाजार जा रहे हो उसी दुकान पे खरीदने जा रहे हो, एक के बार में सब खरीद लो, ये थोड़ी कि मतलब एक बार गए तो मोजा खरीद के एक पैर का ले आए, दूसरी बार गए तो दूसरे पैर का मोजा।
दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा जिस दौरान आपने कहा, सुनो, जिस दौरान आपने कहा ए कामा बी बिलोंग टू द एस, आपने आप बंद करके एक बात कही, ए कामा बी कामा अल्फा कामा बीटा ऑल बिलोंग टू द एस, सीधे सीधे लिखना, दिस इंप्लाइज दैट ए कामा बी कामा अल्फा कामा बीटा ऑल बिलोंग टू द कैपिटल ए। यहां पर रीजन बताना, सिंस, क्योंकि एफ इज सब फील्ड ऑफ, हर बार रीजन बताना, सब फील्ड ऑफ कैपिटल के, क्योंकि एफ सब फील्ड है किसकी, कैपिटल के, इसीलिए एफ का हर मेंबर किसका होगा, कैपिटल के का। एंड सो, और इसीलिए अब तीसरे में पहला, एंड सो ऐसा ए प्लस बी इंटू अल्फा, ए प्लस बी इंटू अल्फा कैन बी रिटन एज ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा। कैसे, क्यों लिखा, क्योंकि अभी देखना, सिंस सिंस अभी हम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, के का मतलब फील्ड के रिस्पेक्ट में, और फील्ड के रिस्पेक्ट में जब आप ये बात लिखते हो तो मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब समेट करके एक लाइन लिख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड इन द फील्ड, फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव का नियम होल्ड करता है, आप चाहे उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ले लो चाहे राइट, तो हम यहां लिख रहे हैं सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड इन फील्ड कैपिटल के, क्योंकि अपनी फील्ड कैपिटल के में डिस्ट्रीब्यूशन का नियम होल्ड करता है। ना समझ पाओ तो हम और डिस्क्रिप्टिव लिखाएं इसको, समझ जाओगे, याद रहेगा ना कैसे लिखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव का नियम, क्योंकि अभी देखो नीचे लिखे सारे एलिमेंट किसके हैं, के के, तो अभी हम जितना ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, हम इसको देख ही नहीं रहे कि कोई एफ का है, हम यही देख रहे हैं ना ए किसका, के का, बी किसका, के का, अल्फा किसका, के का, और के के एलिमेंट पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है, हुआ ना। अब हम यहां से देखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये बात हमको कह रही है कि आपने शुरू में क्या जोड़ा, मल्टीप्लाई किसका किया, वेक्टर का, तो इसका मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बंटवारा लिया किसके ऊपर, स्केलर के एडिशन पर, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्केलर ओवर स्केलर एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है किसके ऊपर, स्केलर के एडिशन के ऊपर, ये तीसरे का पहला है, तीसरे का दूसरा, पता है आज कौन बटा है, वेक्टर, कल कौन बटेगा, स्केलर बटेगा। इसको लिख रहे हैं यही मिटा, तीसरे का दूसरा ये हो जाए तो नाम इसको हटा, आगे चल करके ना अलजेब्रा की इसमें जरूरत पड़ती है कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अलजेब्रा में कोसेट की एक थ्योरम होती थी, हम लोग कोसेट नहीं पढ़ पाए, कोरोना आ गया, अपने पास बड़े बहाने हैं कोरोना का ना, जो भी ये नहीं पढ़ पाए, कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम पे एक कोसेट चलने वाला था, कोसेट की एक थ्योरम है, इसमें दरकार पड़ेगी, निपटा लेंगे किसी तरीके से, बता देंगे हम थ्योरम, हटा दे इसको, हो गया सबका। सेकंड प्रॉपर्टी देखना, अच्छा अभी कौन बांटे थे, अभी किसको बांटे थे, वेक्टर को बांटे थे स्केलर के एडिशन पर, अब किसको बांटेंगे, स्केलर को वेक्टर के एडिशन पर, लिखना ए इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, कंफ्यूज मत होना ना, हाँ कहीं से भी बांटेंगे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट, ए इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ए अल्फा प्लस ए बीटा। अभी बोलो अभी किसके रिस्पेक्ट में लिखा है ये सारी बातें, अभी इस नीचे वाली लाइन पे एवरी मेंबर इज द मेंबर ऑफ द फील्ड, अभी इसके रिस्पेक्ट में, और फील्ड में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड होता है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड इन इसमें कैपिटल के, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड इन कैपिटल के, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हमको कहीं और पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया कि आपने जोड़ा किसको,
और मल्टीप्लाई किसका किया, और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस पर, वेक्टर के एडिशन पर। दिस इंप्लाइज दैट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेक्टर एडिशन, ओवर वेक्टर एडिशन। स्केलर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेक्टर एडिशन। अगला याद है ना, a इंटू बी ब्रैकेट में और इंटू अल्फा बराबर a बाहर ब्रैकेट में b अल्फा। चलो ये भी करते हैं, ये हो गया हो तो हमारे ऊपर, पहले ये लिख लो इतने नाम से पीछे वाले कुछ लोग, ये जो बीच में खड़ा हो जाता है ना स्टैंड, इसकी वजह से देखने में दिक्कत होती है पीछे ना, होती है ना, थोड़ा चला लो शाम वाली बैच के लिए। शाम वाली बैच को भी साथों साथ लेकर चलते हैं, सुबह आने को, अरे नहीं जो दूर वाले नहीं आते उनको वीडियो तो नहीं, लोग तो पढ़वा रहे हो, वो पढ़ेंगे अपना ही डेटा खर्चा करके, हम मानी चर्चा कर दिया हुआ डेटा वो खर्चा करेंगे। हो गया पीछे हटा इसको, अरे कहो सुनो गरीबा से कहो वीडियो से सुन करके कुछ धंधा काम कर रहे हैं नहीं चला कौन नहीं, बाकी लोग करते हैं सब नहीं करते, कुछ लोग खाली नहीं ना इससे करके ना कुछ ढंग का काम कर रहे हैं, नहीं तो बस खाली एक के काम था बस खाली दिया लगा और कोई काम नहीं था ना, या तो शॉर्ट देखते थे। चलो तीसरे अभी बताना, फिर दिमाग में वही बात है, ए बी कहां से लेकर के आए थे एफ से, और वेक्टर अल्फा कहां से लेकर के आए थे के से, लेकिन सवाल तो उल्टा, मतलब जवाब उल्टा है, जवाब तो ये ए बी और अल्फा सब किसके हैं, ये सभी किसके हैं के, और ये बताओ जब ये सभी के हैं तो के तो फील्ड है, और फील्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाता है अबेलियन ग्रुप, और अगर वो अबेलियन ग्रुप बनाता है तो गौर करना होल्ड क्या होगा, ए इंटू बी अल्फा, क्या एसोसिएटिविटी होल्ड होती है कि नहीं, एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी कहती है कि आप पैरेंथेसिस को आगे पीछे खींचा सकते हो, यानी वी कैन राइट ए इनटू बी इनटू कितना क्या ये, और वो बराबर हो गए कि नहीं, कैसे, ड्यू टू एसोसिएटिविटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये बातें, और ये एग्जाम को चाहिए लिखा जाए, लिखना ऐसे लिखो ए बी इंटू अल्फा, लिखो बताते हैं सब लिखा देंगे, ऐसा नहीं है मतलब तुमको बाद में इसको खुद से समझना पड़ेगा। ए बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, कैसे, सिंस क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा अल्फा ऑल आर द मेंबर ऑफ कैपिटल के, भले ये दोनों एफ के मेंबर है लेकिन एफ इज द सबसेट ऑफ के है, तो ये के भी मेंबर होंगे, एंड के इज फील्ड, एंड के इज फील्ड, सो इसलिए एसोसिएटिविटी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सो एसोसिएटिविटी, सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए बी और अल्फा जहां देखने में दिक्कत हो बताना, वर्डिंग बोल दे, सुनो ये लिखा गया है सिंस ए बी एंड अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल के, एक्चुअल में ए बी हमने कहां से लिया था एफ से, और हमने अल्फा कहां से लिया था के से, लेकिन एफ सबसेट है किसका के का, तो इसका मतलब ए बी अल्फा सबके सब किस में आ गए के में, और के कौन है फील्ड है, और एक फील्ड में मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, तो एसोसिएटिविटी के नियम से ए बी को पहले ऑपरेट किया, फिर किस पर ऑपरेट किया अल्फा पर, पैरेंथेसिस किसका दो, चाहे पहले बी को ऑपरेट करो अल्फा पर, आई हुए रिजल्ट पर किसको ऑपरेट किया ए को, रिजल्ट आपस में कैसा बराबर, क्या यही नियम हमको प्रूफ करना था कि नहीं, ये भी होगा। अब कौन बचा, वन मार अभी होल्ड ही है, रीजन सुनो, एफ कौन है सब फील्ड है, के कौन है फील्ड है, आपकी सब फील्ड में हमेशा मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी, फिलहाल पर्टिकुलर केस अगर देखो, पर्टिकुलर केस में हर वक्त एफ के पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगी,
और ये बताओ अभी जो हम लोग दिमाग में रख के चल रहे हैं वो हम लोग ऑपरेशन लिख रहे हैं के विद ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और इसके लिए वन ऑलरेडी इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड में और सब फील्ड में बदलती नहीं, ये हमेशा याद रखना। आइडेंटिटी जो होती है आइडेंटिटी और एलिमेंट का इनवर्स, ये आपकी फील्ड में और सब फील्ड में, ग्रुप में सब ग्रुप में, रिंग में सब रिंग में, ये कभी बदलते नहीं, हमेशा ये बराबर होंगे। आइडेंटिटी जो एक बार बन गई ना वही रहने वाली है, वो आइडेंटिटी बदलने वाली नहीं। क्लियर है ये बातें? जैसे हम तुमको पढ़ा रहे इस बैच को काट के दो टुकड़ा कर दिया, काट के दो टुकड़ा करने मैथ हम ही पढ़ाएंगे, जब मैथ हम ही पढ़ाएंगे तो इसका मतलब पहले भी आइडेंटिटी हम ही थे, और काट के बैच को छोटा कर दिया तब भी आइडेंटिटी कौन, हम ही। आइडेंटिटी आप नहीं बदल सकते, और आइडेंटिटी ही बदल दिए एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक का आइडेंटिटी होती है। गौर करना, आइडेंटिटी जो होती है ना वो ऑपरेशन और सेट दोनों पर डिपेंड करती है। सेट मेरा इंटीजर का है, सेट मेरा इंटीजर का है, ऑपरेशन मेरा एडिशन का है, तो मेरे एडिशन की आइडेंटिटी कौन होगा, जीरो। क्लियर है ये बातें? तो इसीलिए आइडेंटिटी कभी भी बदलने वाली नहीं। ये बात ग्रुप थ्योरी में जो लोग पढ़े फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी में इस बात को हम प्रूफ कराए हैं, किसी भी दिए गए ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, किसी भी दिए गए ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, ये बातें प्रूफ कराई हैं। ठीक, अब इसका मतलब साफ है कि मेरे पास वन हमेशा ऐसा बिलोंग करेगा कि हम लिख सके वन इंटू अल्फा बराबर अगेन कितना अल्फा। रीजन, आप दोनों कनेक्टेड हो फील्ड से और किससे, सब फील्ड के बीच। चलो लिख देते हैं इसको भी, आखिरी पास्टुलेट खत्म, और ये पास्टुलेट खत्म होते ही ये थ्योरम भी प्रूफ लिखना। चौथी प्रॉब्लम, तीसरे के अंदर में चौथी, डियर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू द एफ such that one into alpha is equal to again alpha। इसको हम सीधे लिखें, इसके लिए मुझको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न है, मेरे दिमाग में से एक बात चल रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और अपने को पता है f कौन है, सब फील्ड है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखेगा ही रखेगा। क्लियर है? हम बार बार कह रहे हैं ये पर्टिकुलर में वन लेकर के चला जा रहा है, जिसको दिमाग में मत भर लेना कि वन ही चाहिए। जैसा मेरा ऑपरेशन होगा, जैसा मेरा सेट होगा, वैसी मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। लेकिन साफ तौर की बात है, जैसे हम अगर इसको इन जनरल हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को EM से डिनोट करें, E फॉर आइडेंटिटी, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? तो ये बताना, अगर मेरी फील्ड कैपिटल K है तो कैपिटल K में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी EM। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी सब फील्ड कौन बना रहे, तो सब फील्ड में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन थी, बदलेगी तो नहीं ना, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज यूनिक। तो इसका मतलब जब आपने एफ को तैयार किया तो एफ में ईएम चला गया ऑलरेडी कि नहीं चला। अगर एफ में ईएम गया ही ना होता, अगर एफ में ईएम गया ही ना होता, तो तय बात है एफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, एफ नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप ना बना, बिकॉज आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हुआ कि नहीं। तो ये बात तो साफ है कि सब फील्ड के अंदर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जाएगी ही जाएगी, वो अलग बात है। हम इसको वन से दिखा रहे हैं क्योंकि हम अभी दिमाग में क्या लेके चल रहे हैं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अपने ना वही बात है, हर्मन ग्रासमैन ने जो थ्योरी लिखी कठिन लिखी तभी तो दुनिया नहीं समझ पाई। तो अगर हम शुरू से ही ना दो ऑपरेशन लेकर के चल दिए ना, स्टार और ओ, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे हम किस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब एक आइडेंटिटी इसके रिस्पेक्ट में आएगी और दूसरी इसके रिस्पेक्ट में आएगी। अंतर आया कि नहीं आया? तो आसान लैंग्वेज में समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी लेकर के मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं और इसकी आइडेंटिटी क्या करना है, वन। लेकिन नॉर्मली ये वन हो ये कोई जरूरी या ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा, जैसा ऑपरेशन है वैसा भी। क्लियर है बातें? किसी को कोई दिक्कत? चलिए लिखा जाए। अच्छा, लिख तो दिया, इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करें ना, आखिरी लाइन लिखना, फाइनल टच, कथा को विश्राम देने का वक्त आ गया है। Every field is a vector space over its subfield। दुनिया की हर field अपनी ही subfield के ऊपर हमेशा क्या बनाएगी, vector space। अब सोचो यहां तक पहुंच गए ना, यहां से मेरे हाथ इतने खुल गए, कितनी चीजों को तो हम बिना सोचे समझे बोलेंगे। इसी थ्योरम के आधार पर ध्यान देना, इधर गौर करना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैपिटल सी अपने ही ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिकॉज सी इज द सबफील्ड एंड सी इज द फील्ड, हो गया ना बराबर कि नहीं। जो इसका चुनोगे वो इसका ही निकलेगा, तू ही घर द्वार तू ही चुड़िया ने बात, गुड नियम रहेगा। अब की बार देखना, सी ओवर आर
फील्ड है कि नहीं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में सब फील्ड है, तो कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगी। आपकी बार देखना, आर ओवर आर बनाएगा, अच्छा आर ओवर क्यू बनाएगा निश्चित तौर पर। अब इसके लिए मुझको कुछ प्रूफ करने की नीड नहीं, हम तो ब्रह्मास्त्र प्रूफ कर दिए, एवरी फील्ड मस्ट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। जब ये प्रूफ कर दिया, अब अपने को रहा क्या प्रूफ करने, और भी कुछ बाकी है? चले ठीक है, आज की कथा को विश्राम देते हैं, कल मुलाकात होगी।